हेलो चिल्ड्रेन हाउ यू ऑल आई होप यू ऑल आर वेरी गुड आओ बच्चों अपना जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है नो दीज द चैप्टर डू यू नो दीज एनिमल्स यूज द क्लूज इन द बॉक्स बच्चों आपको इन क्लूज को देख करके इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है उनका नाम लिखना है सबसे पहला है आई एम द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई आई लिव इन डार्क प्लेसेज एंड हैंग अप साइड डाउन resting. रेस्टिंग आई एम dash. डैश अब बच्चों आपको पिक्चर देख के समझ में आ ही रहा होगा और इसका क्लू भी देख के समझ में आ रहा होगा ये कैसे रेस्ट करता है ये अपने आप को एक ट्री में उल्टा लटका लेता है और उससे ये क्या करता है रेस्ट करता है और ये कोई एनिमल नहीं है ये एक मैमल है जो फ्लाई करता है ठीक है तो इसका नाम है बैट आप यहाँ पे क्या लिखोगे बैट मतलब चमकादड़ सेकेंड आई एम अ रिवर क्रोकोडाइल फाउंड इन द गंग एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स रिवर में रहता है जो बहती है ठीक है जैसे की गंगा और ब्रह्मपुत्र तो इसका नाम है घड़ियाल आप यहाँ पे घड़ियाल इसका नाम लिखोगे थर्ड ऑफ ऑल एप्स आई एम सेट टू रिजेंबल ह्यूमोस्ट इन बिहेवियर एंड इंटेलिजेंस माई होम इज़ इन अफ्रीका आई एम अ डैश बच्चों आपको पिक्चर दिख के समझ में आ रहा होगा ये हम ह्यूमन से रिजेंबल करते हैं और ये हमारा मतलब इनका बिहेवियर उनकी इंटेलिजेंस हम ह्यूमन जैसी होती है और ये कहाँ रहते हैं अफ्रीका में रहते हैं इन्हें हम चिम्पाजी कहते हैं तो आप यहाँ पर चिम्पाजी लिखोगे फोर्थ आई एम कॉल्ड द किंग ऑफ स्नैक्स माई पॉइजन इज डेडली आई रेज माई हुड बिफोर आई स्ट्राइक आई एम अ डैश बच्चों ये किंग ऑफ स्नेक्स कहा जाता है ठीक है और ये क्या करता है अपना एक फन खोल लेता है जब इस पर कोई अटैक करने के लिए आता है ठीक है तो इसका नाम है कोबरा आप यहाँ पे क्या लिखोगे कोबरा लिखोगे क्योंकि कोबरा को स्नेक्स का राजा कहा जाता है फिफ्थ आई एम सेमी एक्वाटिक एनिमल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आई ले एग्स माई बिल इज लाइक दैट ऑफ अ डक एंड आई हैव अ थिक फ्लैट टेल आई एम अ डैश बच्चों ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ये जो एनिमल है इसकी जो बीक होती है किसके जैसी होती है एक डक के जैसी होती है और ये कहाँ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये एग देता है और ये पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है इसलिए इसे सेमी एक्वाटिक कहते हैं इसका नाम है प्लेटिपस ठीक है आप यहाँ पे प्लेटिपस इसका नाम लिखोगे आई एम क्यूट एंड कडली पीपल कीप मी एज अ पेट आई हैव शार्प फ्रंट टीथ आई एम डैश अब ये क्यूट सा एक प्यारा सा एक छोटा सा क्या है एनिमल है ठीक है लोग इसे एज ए पेट भी रखते हैं और इसके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं जैसे गिलेरी के होते हैं बाकी माउस के होते हैं जिससे क्या करते हैं अपना खाना टीयर करते हैं या उसे खाते हैं तो इसका नाम है हेम्स्टर ठीक है आप यहाँ पे हेम्पस्टर लिखोगे तो बच्चों क्लियर है चैप्टर आप सबको आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा अब इसका रिविजन आप खुद से करेंगे